नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अगर आपका पेंट स्टोर है तो आपने अपने वन प्लस सॉफ्टवेयर को आपके पेंट स्टोर में कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे वन प्लस सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट बिलिंग जीएसटी स्टॉक वगैरह आपका काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है, कैसे आपके कलर आपके टाइप और आपके जो लीटर वगैरह होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे सॉफ्टवेयर में, अब उसके कैसे आप उसको सेल कर सकते हो और कैसे परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपके आइटम के अकॉर्डिंग, जैसे आपके अलग अलग होते हैं, कोई 5 लीटर का बैच होता है, 1 लीटर का बैच होता है, ठीक है, 10 लीटर की कैनी होती है, उस अकॉर्डिंग आपने सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये देखिए आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना जी। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास विंडो शो होगी। क्रिएट अ कंपनी पे क्लिक करके हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जैसे कृष्णा पेंट शॉप एंटर करेंगे जी। जहाँ पे हम अपना सिटी डालेंगे, जो आपने सिटी डालनी है जैसे है मरगांव, एंटर करके स्टेट गोवा एंटर करके जो अपना आपका मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हो जी। वेबसाइट ईमेल नंबर जीएसटी वगैरह जो डिटेल्स आपने फिल करनी है उसके बाद एंटर एंटर करके आपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पे आना है। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का यूज़र नेम और पासवर्ड 11 है जी, आप इसको चेंज भी कर सकते हो और अपनी मर्जी से जो रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास ओपन हो जाएगा एंटर करके इसको हम लॉगिन करेंगे 1 यूज़र नेम और 1 पासवर्ड के साथ, ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन हो जाएगा। ओके अभी हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने मास्टर में जाके आपके आइटम्स क्रिएट कर लेने, जो जो आपके आइटम होते हैं, आइटम मतलब कि जो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है जी। न्यू पे आपने क्लिक करना है जी। न्यू पे आपने क्लिक करके जैसे आपके यहाँ पे आता है एशियन पेंट का, एशियन पेंट, ठीक है जी, एशियन पेंट का आपके पास जो है उसका बैच है आपका BW-518 नंबर है, जो उसका कोड है आपका वो आता है। ओके उसके बाद जीएसटी है आपका, उसके बाद कंपनी में यहाँ पे आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जैसे एंटर करके क्लिक करके इसको कंपनी है जैसे आपके एशियन, ओके सेव कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका ग्रुप वगैरह जो क्रिएट करना है कर सकते हो, उसका आपके कौन सी चीज़ में आता है, लीटर में आता है, बॉक्स में आता है, कितने में आता है, लीटर में आता है, ओके ठीक है जी, एंटर कर दोगे आप यहाँ पे। ओके एंटर करके यहाँ पे आप उसका परचेज प्राइस जो आप जितने में आप उसको परचेज करते हो एंटर करके आप उसको जितने में सेल करते हो वो यहाँ पे आप डालोगे। अगर फर्दर आपके पास यहाँ पे आपके एशियन पेंट V/518 के आपके अलग अलग तरह के 1 लीटर की पैकिंग आ रही है, 2 लीटर की आ रही है, 5 लीटर की आ रही है, वो आप चीज़ कैसे मेंटेन करोगे वो हम आपको बताते हैं। इस कंट्री को मैं बैक कर देता हूँ, ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जी मास्टर में जाके आइटम में जाना है जी, आपने आइटम में जाके आपके यहाँ पे सेटिंग है जी, सेटिंग में जाके सब आइटम, सब आइटम में जहाँ पे आपने 2-3 क्रिएट कर लेना है, 2 क्रिएट कर लेना है जैसे आपके कितने लीटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो आपका वो कौन सा कलर है, एंटर करके आप सेव कर दोगे। ओके इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके न्यू पे हम दोबारा गए, ठीक है जी, एशियन पेंट V-W518। अगर आपके बैच भी अलग अलग हैं जी तो फिर आप वहाँ पे 3 कॉलम बना लोगे जी, ठीक है जी, बैच नंबर भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है जी, लीटर के अकॉर्डिंग। ओके यहाँ पे मेंटेन बैच पे आपने टिक करके एंटर कर देना है, ये कितने लीटर है, 1 लीटर है जी आपका, 1 LTR। ओके कलर कौन सा है जी, ब्लू है। ओके परचेज प्राइस 150, सेल कितने में कहते हैं 170, एंटर एंटर करके आपने नीचे आ जाना है जी, ठीक है जी। उसके बाद है 2 लीटर, 2 लीटर का तो सॉरी आता नहीं है, 5 लीटर का आता है, 5 LTR, जो आपका हाफ लीटर आता है जैसे रेड कलर है जी, ठीक है जी। उसके बाद उसका प्राइस क्या है, 180 रुपये, 200 रुपये में सेल करते हैं। फर्दर जो भी आपके जितने भी जहाँ पे बैच होंगे सारे बैच यहाँ पे क्रिएट कर लोगे और फर्दर आपका जो है चीज़ें हो जाएंगी। ओके अभी आप अपने एम्प्लॉयर जो है आपके सप्लायर हैं, आप सप्लायर से परचेज करते हो, आपने ट्रांजेक्शन में जाना है जी, परचेज में जाना है। न्यू पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने एंटर कर दिया क्रेडिट। ओके क्रेडिट करोगे तो आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बना लेंगे हम जैसे ही नाम के विनय के नाम के अकाउंट बना लेते हैं, वो हमारे सप्लायर हैं। एंटर एंटर करके हमने आगे जाना है जी, उसके बाद स्टेट में आके उन्हें अपना स्टेट डालना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको फर्दर आपकी जीएसटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम सीधा इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे जी। ओके परचेज पे हमने गए एंटर किया, ठीक है जी, डेट बिल नंबर जो अपने उसका आता है सप्लायर का वो डाल देंगे, एशियन पेंट। ये हमारे पास ये 2 बैच हैं जी, ठीक है, ये बैच के अलावा अगर हमें 2 बैच क्रिएट हुए हुए हैं, अगर फर्दर हमारे जो सप्लायर हैं वो कोई न्यू बैच दे रहे हैं, यहाँ पे आपने सीधे करना है फंक्शन F3, आपको वापस वहाँ पे जाने के जो उतने आइटम है आप यहीं पे एट द इंस्टेंट टाइम पे आप न्यू बैच क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपका जो है 0.50 लीटर का, 0.50
लीटर का आपका बैच है, कलर कौन सा है उसका, वॉयलेट, ठीक है। एंटर करके उसका सेल प्राइस है जी 220, ठीक है जी। परचेज प्राइस है 200, ओके करके आप उसको अप्लाई कर देंगे। ओके देखिए ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंटली आपका हाफ लीटर यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है जी। हाफ लीटर ओके सेलेक्ट किया, 10 डिब्बे आ रहे हैं उसके हाफ लीटर के, ओके जी। GST वगैरह उस पर लग गया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव करना है आपकी, उसके ऊपर लगना चाहिए, बीच में एडजस्ट होना चाहिए, वो भी सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो जाएगा जी। 1 लीटर है आपका, यहाँ पे इसके आ रहे हैं जी 5 डिब्बे, ठीक है जी। जो ये कलर था हमारा, ये देखो आपको ऊपर वहाँ पे शो कर देगा कि 1 लीटर वाला बैच सेलेक्ट है, ब्लू कलर का, कंपनी जो है अपनी एशियन है, ठीक है जी। आपको कई बार लगता है गलत बैच सेलेक्ट हो गए, तो ऊपर फर्दर आपको शो भी होगा कि कौन सा बैच आपने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 लीटर वाला बैच है जी। इसी तरह से आप अपना सारा जो है बैच वगैरह एंट्री आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी परचेज चढ़ जाएगी, स्टॉक रिपोर्ट में आपके जाके देखोगे तो आपका स्टॉक यहाँ पे बढ़ जाएगा जी। ये देखो आपके पास 15 यूनिट हो गई, ठीक है जी। फर्दर आपने उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी कौन से यूनिट के अकॉर्डिंग कितना कितना स्टॉक पड़ा है जी, भी मतलब कौन से बैच का आपका कितना स्टॉक है। तो आप स्टॉक समरी में जाओगे जी, स्टॉक समरी में जाके आपने ओके कर देना जी। सर्च पे आके आपने यहाँ पे एक्सपेंड सब आइटम, ओके एक्सपेंड सब आइटम करोगे, देखो आपको दिखा देगा कि 5 लीटर का आपके पास स्टॉक कोई भी नहीं है जी, ठीक है जी। जो आपका 1 लीटर का स्टॉक है, 1 लीटर का स्टॉक आपके पास 5 यूनिट, ठीक है जी। जो है 0.50 का वहाँ पे पड़ा आपको 10, ठीक है जी। ऐसे ही हमारा यहाँ पे आइटम पे लगा हुआ है। कई सॉफ्टवेयर में है कि यहाँ पे बार बार आपको खोल खोल के देखना पड़ता है कौन सी बैच का कितना है। एक्सपेंड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आपको दिखा देगा कि 5 लीटर 1 लीटर का ये आपके रेट हैं। ऑफ कर दोगे आपको दिखाएगा नहीं, ऑन कर लोगे आपको टोटली दिखा देगा कि इसका ये सेल प्राइस है जी, ये आपका प्रॉपर बात है सारा, ठीक है ना। इस तरह से पूरा एडवांस सॉफ्टवेयर है, आपको कोई ज़्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, टोटली एक सिंपल क्लिक से आपका सारा काम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन में जाके सेल करोगे जी, सिंपली भाई अपनी सेल है जी, कैश कर रहे हो, ओके कैश सेलेक्ट किया, एंटर करिया यहाँ पे जी, आपका कस्टमर का नेम वगैरह फिल कर लो, ओके। एशियन पेंट हमारा यहाँ पे आप सेल कर रहे हो, 5 लीटर कर रहे हो उसको, 10 डिब्बे सेल कर रहे हो, ओके सेव कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि हमने परचेज नहीं किया हुआ सर, हमारा नेगेटिव स्टॉक ना सेल हो, नेगेटिव स्टॉक का यहाँ पे हमारे ऑप्शन लगी हुई है, नेगेटिव स्टॉक टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके जी यहाँ पे अपने देखो हमने अलाउ किया हुआ है, अलाउ नेगेटिव स्टॉक, डू नॉट अलाउ कर दोगे आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना जी। देखो अभी आपको स्टॉक रिपोर्ट में जाके आपको दिखा देगा, ओके करोगे, ठीक है जी। यहाँ पे तो हमें दिखा नहीं रहा, अभी हम यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में जाके स्टॉक समरी में जाएंगे, ओके कर देंगे। सर्च पे जाके हमने एक्सपेंड ओके, देखो फर्दर आपको दिखा दिया कि ये हमारे -10 हो गए, ये +10 पड़े हैं, ये 5B+ पड़े हैं, इस तरह से है जी। प्रॉपर कंप्लीट सॉफ्टवेयर है अपना, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सॉफ्टवेयर चलाने में। कोई बैलेंस शीट चेक करनी है आपने, बैलेंस शीट चेक करो, ये आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, बिना जो आपके क्रेडिटर हैं उनको आपने पैसा देना है, लायबिलिटी है जी, ये आपका कैश हो गया जी, आपका फिक्स एसिड है जी, जो आपने एसिड है सॉरी आपके, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो है रिपोर्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस देखना है जी, प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉपर दिखा देगा, ठीक है जी। डे बुक देखनी है, अपने दिन में क्या क्या काम किया वो दिखा देगा जी सारा आपको। बहुत सारी सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट लगी हुई है, कोई लेजर देखना है किसी बंदे का, जैसे बिने का लेजर देखना है अपने, यहाँ पे एडवांस सर्च लगी हुई है, ओनली वी दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा सारा, ओके कर दोगे जी। ओके करके देखो आपके साथ उसका परचेज का बिल दिखा देगा, ये परचेज हुई हुई है, डबल क्लिक करके ओपन करोगे जी तो वो ट्रांजेक्शन आपको भी दिखा देगा सारी, ठीक है जी। जहाँ पे डबल क्लिक करना नहीं करना है, यहाँ पे आप शो डिटेल पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपको ट्रांजेक्शन दिखा देगा आपके साथ, ये अपनी ट्रांजेक्शन उनके साथ की हुई है, ठीक है। ऑटोमेटिकली पूरा एडवांस सिस्टम है जी, आपको बार बार घूमना ना पड़े सॉफ्टवेयर में एक चीज़ के लिए ही। तो हमारी कंपनी ने इस बात को बहुत ही ध्यान से रखा हुआ है कि बंदे को ज़्यादा परेशानी ना हो पाए, ठीक है जी। आप सॉफ्टवेयर को चला के देखिए, आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम होती कभी आप स्क्रीन के दिए नंबर पर कॉल करिए, आपकी हर प्रॉब्लम तुरंत हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया।